हेलो गाइस, वेलकम टू रेस एकेडमी। और आज हम पीएलसी प्रोग्रामिंग में बॉटल फिलिंग प्रोसेस देखेंगे। सो हमें डेटा जो क्रिएट करना है बॉटल फिलिंग प्रोसेस के लिए, और एक इजी वन है। सो इसमें एक कन्वेयर दिया है, ठीक है, जिसपे बॉटल पास हो रही है। एक हमारे पास प्रॉक्सिमिटी स्विच है, ठीक है। और जब हमें करना है क्या, एक्चुअली बॉटल फिल करना है। सो मोटर रन हो रही है कन्वेयर की और बॉटल पास हो रही है कन्वेयर पे। जैसे ही प्रॉक्सिमिटी स्विच के सामने आती है बॉटल, तो यहाँ पर जो हमारा फिलिंग स्टेशन है, मीन्स ये जो टैंक है ऊपर, ठीक है, उसमें से जो भी मटेरियल है वो फिल होना चाहिए बॉटल में। तो उसके लिए हमें सोलेनोइड वाल्व को ऑन करना है 30 सेकेंड्स के लिए, मतलब 30 सेकेंड्स के लिए बॉटल फिल होगी, ठीक है। और फिर आफ्टर 30 सेकेंड्स वापस ये कन्वेयर स्टार्ट कर देना, स्टार्ट हो जाना चाहिए और हमारे नेक्स्ट बॉटल के लिए प्रॉक्सिमिटी रेडी रहना चाहिए, ठीक है। सो सिंपल है, स्टॉप स्टार्ट तो यहाँ पर एक हमारा इंटरलॉक आएगा, ठीक है। सो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहला हमारा जो भी बेसिक है हम उसको ड्रॉ करेंगे। मोटर ऑन होना चाहिए कन्वेयर का, ओके, जो कन्वेयर का है उसका मोटर ऑन होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही हम जो भी हमारा टाइमर है उसको हम ऑन कर देंगे 30 सेकेंड्स के लिए, तो टी ऑन टाइमर रखना है। ठीक है, 30 सेकेंड का टाइमर ऑन रहेगा तो हमारा जो भी वॉल्व है, ठीक है, या सोलेनोइड वॉल्व है वो ऑन रहना चाहिए। तो 20 बीट 30 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा जब भी टाइमर ऑन होगा, ठीक है। सो अभी हमें इंटरलॉक्स चेक करना है, ठीक है। ऐसे मैंने स्टार्ट प्रेस किया तो हमारा मेमोरी बीट लैच ऑन हो गया और लैच हो गया यहाँ पर, ठीक है। जैसे मेरा मेमोरी बिट ऑन हो गया है तो मेरा कन्वेयर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कन्वेयर स्टार्ट हो गया है तो अब क्या होना चाहिए, जैसे प्रॉक्सिमिटी स्विच के पास वो जाता है, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी स्विच के जैसे ही पहुंच रहा है, ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी को हम चेक फॉर 0 कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट में चेक फॉर 0 कर रहे हैं तो ट्रू आ रहा है, तो हमारा मोटर रन हो रहा है, ठीक है। जैसे प्रॉक्सिमिटी स्विच हमें 1 देता है, तो प्रॉक्सिमिटी स्विच जैसे 1 देता है तो ये फॉल्स हो जाएगा और हमारा मोटर रुक जाएगा। जैसे ही हमारा मोटर रुकता है, ठीक है, क्या हो रहा है, हमारा मोटर स्टॉप हो जा रहा है। जैसे ही हमारा मोटर स्टॉप हो रहा है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, हमारा ये जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा कब, जब ये मोटर स्टॉप हो रहा है और प्रॉक्सिमिटी स्विच जो है हमारा 1 होता है, ठीक है। वैसे ही प्रॉक्सिमिटी स्विच का आउटपुट 1 होता है, हमारा मोटर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा 30 सेकेंड्स के लिए और वॉल ओपन कर देगा बॉटल फिल करने के लिए, ठीक है। 30 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, 30 सेकेंड्स के बाद
कि अब 30 सेकेंड्स हो गए, ठीक है, अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू 30 सेकेंड्स हो गई है, ये टाइमर टाइमिंग बिट जीरो हो जाएगा और वॉल्व ऑफ हो जाएगा, ठीक है, बट प्रॉक्सिमिटी स्विच अभी भी मेरे को 1 है, ठीक है, पीएस तो अभी 1 है, तो पीएस 0 होगा तभी तो हमारा मोटर वापस रन होगा, ठीक है। तो इनिशियली तो हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी स्विच से, बट हमें बाद में चेक फॉर 1 करना है डन बीट के लिए, ठीक है, चेक फॉर 1 सी सॉरी टी 4 कोलन 0 स्लैश डन, ठीक है, जैसे ही, ठीक है, जैसे ही हमारा टी 4 कोलन 0 स्लैश डन ऑन होता है, ठीक है, मतलब टाइमर खत्म हो गया है, टाइमर में टाइमिंग बिट 0 से 0 हो चुका है, तो हमारा डन बिट ऑन हो गया, ठीक है, डन बिट जैसे ही ऑन हो गया तो क्या होगा, मोटर स्टार्ट हो जाएगा रन करना, क्योंकि पीएलसी ये थ्रू यहां से एग्जीक्यूट करेगा, तो मोटर हो जाएगा स्टार्ट रनिंग, तो मोटर रनिंग स्टार्ट कर देगा, मतलब वो जो ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल आपको दिख रहा है वो क्रॉस हो जाएगा ये प्रॉक्सिमिटी स्विच के आगे, ठीक है, जैसे ही वापिस सेकेंड वाला, ठीक है, जैसे वो क्रॉस कर दिया है तो जो वैसे भी पी डॉट एस, ठीक है, पी डॉट जो एस है वो चेक फॉर क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली उसकी प्रॉक्सिमिटी स्विच जो 1 था, ठीक है, वो 0 हो जाएगा वापिस से, और यहाँ पे ट्रू मिलने लग जाएगा, तो वापिस पी एल सी यहाँ से रन करेगा, ठीक है, जैसे ही ये 1 से 0 होएगा, ठीक है, तो वैसे ये टाइमर रीसेट हो जाएगा, टाइमर रीसेट हो जाएगा, तो जो डन बीट है यहाँ पर चेक फॉर 1 कर रहे थे हम जिसके लिए, वो क्या हो जाएगा 0, बट इसका आपको टेंशन नहीं है क्योंकि प्रॉक्सिमिटी स्विच जो यहाँ पर है वो यहाँ से पीएलसी रन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मोटर कन्वेयर रन होता रहेगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर 0 हो चुका है, तो ये टाइमर रीसेट हो चुका है, वॉल्व भी बंद है, ठीक है, क्योंकि टीटी बीट 0 है। वापस से जब प्रॉक्सिमिटी स्विच 1 होता है, ठीक है, जब ये सेकेंड बॉटल यहाँ पर आता है, ठीक है, तो चेक फॉर 0 कर रहे हैं, वो फॉल्स हो जाएगा और मोटर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, तो मोटर जैसे स्टॉप होगा और ये 0 to 1 हो गया है, टाइमर ऑन हो जाएगा, टाइमर टाइमिंग बिट स्टार्ट हो जाएगी 30 सेकेंड्स के लिए, वॉल्व वापिस ओपन हो जाएगा बॉटल भरने के लिए, तो आफ्टर 30 सेकेंड्स क्या होएगा, डन बिट ट्रू हो जाएगी, फिर पी एल सी यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, वापिस मोटर रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर थर्ड बॉटल आ जाएगी, ऐसी वो बॉटल, वो जो बॉटल है सेकेंड बॉटल प्रॉक्सिमिटी को क्रॉस कर देगी, ठीक है, जो पी एस हमको 1 दे रहा था, प्रॉक्सिमिटी स्विच हमको 1 दे रहा था, वो भी 0 देने लगेगा, ठीक है, फिर मोटर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये रंग फॉलो करेगा, ठीक है, और जो ई पी एस है वापिस से हाई टू लो हो जाएगा, ठीक है, तो ये रीसेट हो जाएगा, रन बीट रीसेट है, ठीक है, फिर वापिस जब थर्ड बॉटल आएगा तो पी एस 1 हो जाएगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और वापिस वॉल स्टार्ट हो जाएगा बन फिलिंग के लिए। सो सिंपल, तो एक इजी वन था, कुछ कुछ टफ प्रोग्रामिंग भी होती है, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बेस्ड होता है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था। सो गाइस जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।